अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी आपने यूटिलिटी ऑफ प्लांट्स के बारे में देखा है और आपने ये सीखा कि किस तरह प्लांट्स जो हैं हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं और हम बहुत अलग अलग तरीक़ों से प्लांट्स को अपने यूज़ में लेकर आते हैं, उनसे फ़ायदा लेते हैं। अभी हम यूटिलिटी ऑफ प्लांट का जो टॉपिक है इससे रेलिवेंट बुक पर जो पेजेस हैं उसकी रीडिंग करेंगे और साथ में कोई रेलिवेंट वर्क है रिटन वर्क तो हम उसे करेंगे, ठीक है। सो बी रेडी फॉर इट एंड टेक आउट द बुक ऑफ साइंस एंड योर अदर स्टेशनरी मटेरियल फॉर इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट, ओपन द बुक। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ओपन पेज नंबर 61। वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूटिलिटी ऑफ प्लांट्स फ्रॉम दिस पेज। ओपन पेज 61, utility of plants, it means the uses of plants, किस तरह plant को हम use करते हैं, ठीक है। Plants are useful to us in many ways. The very first use is provide food, यानी कि यह हमें food provide करता है। Plants provide us food, we get vegetables and fruits from plants. जैसे कि पहले बात हो चुकी है, प्लांट्स जो है उससे हम फूड लेते हैं, अपना बेसिक फूड जैसे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये दोनों हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अंडरलाइन एंड हाईलाइट दीज इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। वी ईट द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, वी ऑल्सो मेक ऑयल एंड घी फ्रॉम ऑयल सीड्स। कुछ सीड्स होते हैं जहाँ जिनसे हम ऑयल ले रहे होते हैं, ठीक है, और उस ऑयल को फिर हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, ऑयल या घी, ठीक है। तो प्लांट का हमारी कुकिंग के अंदर हमारे फूड को कुक करने में बहुत रोल है। इसी तरह कुछ सीड्स ऐसे हैं जिन्हें हम खाते हैं, ठीक है, खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। We get फ्लोर from grains. Grains जो होते हैं इन्हें हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट से, ठीक है। और इन्हीं grains को बाद में जब हम लोग use करते हैं और उससे फ्लोर बनाते हैं, ठीक है, this is फ्लोर। फ्लोर को हम बनाते हैं किससे, grains से। और grains कहाँ से लिए जाते हैं, प्लांट से, दीज आर द grains, ठीक है। जैसे वीट जो है ये भी एक grain में से है और इसी से हम लोग फ्लोर बना रहे होते हैं। Turn the page and now open page 62 and focus on this page. Other uses, we get wood from plants which is used to make furniture, paper, house, etc. Wood is also used to get energy. जैसे कि पहले बताया आपको, प्लांट्स से ही हम वुड लेते हैं, लकड़ी लेते हैं और इस वुड से फिर बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि फर्नीचर और पेपर बनता है, घर जो हैं उनकी वो बनाए जाते हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स। इसी तरह वुड को जला कर हम लोग एनर्जी भी उससे लेते हैं, ठीक है। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट टू मेक क्लोथिंग आइटम्स। दिस इज़ द कॉटन, कॉटन प्लांट है ये, और इसे ये कॉटन लेने के बाद ही डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस और क्लोथ्स बनाए जाते हैं। और इसी तरह से इसे ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। वी यूज़ प्लांट्स फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। ऑर्नामेंटल पर्पस यानी कि डेकोरेशन के लिए हम डिफरेंट प्लांट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन द रीडिंग ऑफ द रेलिवेंट टॉपिक। नाउ ओपन पेज नंबर 64। हेयर इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ रेलिवेंट टू दिस टॉपिक, सो वी आर गोइंग टू डू दिस राइट नाउ। टेक आउट द पेज नंबर 64 एंड योर पेंसिल्स। अपनी पेंसिल्स अपनी बुक्स पेज 64 ओपन कर लें और क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो थर्ड पार्ट है हम ये करने वाले हैं, सो फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हेयर इज फ्रॉम प्लांट्स वी गेट। फ्रॉम प्लांट्स वी गेट, हम प्लांट से क्या गेट करते हैं, क्या लेते हैं, या फिर प्लांट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। जी, अभी हमने पढ़ा है यूटिलिटी ऑफ प्लांट्स में कि प्लांट हमें ये कुछ दे रहे होते हैं। तो ज़रा मुझे जल्दी से बताएं कोई सी दो चीज़ें जो हम प्लांट्स से ले रहे होते हैं।
एक्सीलेंट, वेरी गुड, आपको तो बहुत जल्दी याद हो गया है। तो अब हम इनमें से कोई सी दो यहाँ लिख लेंगे। वैसे तो प्लांट से बहुत सी चीज़ें आती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पेपर, फर्नीचर, एनर्जी के लिए, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए बहुत सारे यूज़ हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे दो, और एक मैं लिखूँगी फूड, फूड ले रहे होते हैं, और सेकेंड मैं लिख लूँगी वुड। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम प्लांट से गेट करते हैं। सो नाउ आई विल राइट हेयर एंड हेयर, आप मेरे साथ साथ लिख लें। सो आई हैव रिटन फूड एंड वुड, ये दो चीज़ें हम प्लांट से ले रहे होते हैं। ठीक है, आप भी इन्हें लिख लें, एफ डबल ओ डी फूड, डब्ल्यू डबल ओ डी वुड। ठीक है, स्पेलिंग्स को लर्न भी करने हैं आपने। सो ये था आज का हमारा वर्क, आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। ठीक है, सो इंशाल्लाह हम उसे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।